हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास सिक्स मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर टू, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें हमने इसके पहले जो ब्रेन टीजर्स है, एग्जांपल्स है, उसमें डीए पब्लिकेशन की जो बुक्स है उसमें से हमने सॉल्व किए है। तो आज हम देखें फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें से। अगर आपने इसके पहले के जो वीडियोज है उसको मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते हैं इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट व्हिच इज डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। तो हमें ऐसी ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर फाइंड करनी है जो 15 से भी डिविजिबल हो, जो 20 से भी डिविजिबल हो और जो 25 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ऐसे नंबर को हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, इन तीनों का जो एलसीएम है वो 15, 20 और 25 से डिविजिबल होता है, लेकिन हमें चाहिए ग्रेटेस्ट। अब एलसीएम के जो मल्टीपल्स होते हैं, एलसीएम के मल्टीपल्स, ठीक है, वो मल्टीपल्स भी इन तीनों नंबर से डिविजिबल रहेंगे। जैसे मैंने तीन नंबर लिए, 2, 4 और 8 लिया। अब इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड होता है 1 1 2, फिर 2 से डिवाइड होता है 1 1। ठीक है, तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। आप देखो इन तीनों नंबर्स का एलसीएम 8 आ गया। इसमें आप एक बात ध्यान में रखना कि अगर एक नंबर बाकी दो नंबर्स की मल्टीपल है, इसका मतलब जो ग्रेटर नंबर है दैट इज देयर एलसीएम। अब ये जो 8 है, 8 के जो भी मल्टीपल्स रहेंगे, जैसे 8 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48 एंड सो ऑन। ये सभी जो है दे आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 4 एंड 8। समझ गए, फिर से बताता हूँ कि हमने तीन नंबर लिए थे, 2 4 और 8, तीन नंबर लिए थे। इन तीन नंबर से डिविजिबल डिवाइड होने वाली ग्रेटेस्ट नंबर हमें फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड की 8। ठीक है, अब 8 की जो भी मल्टीपल्स है दे ऑल आर डिविजिबल बाय दिस थ्री नंबर्स। अब अगर आपको पूछा कि ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर अगर पूछा है इसमें, तो हम 8 के एस ग्रेटेस्ट थ्री मतलब कौन सी नंबर हो सकती है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 15, 20 और 25 का एलसीएम फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट हियर एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 25। तो एलसीएम की मेथड फाइंड करेंगे 20 25, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फाइंड करेंगे। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, सो राइट हियर 3, 3 से डिवाइड करो 5 आया, 20 एज इट इज, 25 एज इट इज। अब देखो जो 5 है पहला, दैट इज डिविजिबल बाय 5, सो राइट हियर 5, 5 से डिवाइड करो 1, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। नाउ यहाँ पे तो 1 आ गया। अब ये 4 है, 4 इज डिविजिबल बाय 2, सो राइट हियर 2, 1 एज इट इज, 2 से डिवाइड करो, फिर यहाँ पे 5 एज इट इज। अब ये 1 एज इट इज। अब देखो ये जो 2 है इट इज डिविजिबल बाय 2, सो राइट हियर 2, 2 1 जा 2, ये 5 एज इट इज। अब देखो यहाँ पे 5 बचा है, 5 इज डिविजिबल बाय 5, सो राइट हियर 5, ये 1 1, 5 से 5 को डिवाइड करो 1। सो वी गेट हियर एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू प्राइम फैक्टर। सो वी गेट हियर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करते समय सबसे पहले देख लो कि 10 किसका प्रोडक्ट आता है। इसका भी 10 आता है, इसके भी 10 आता है। 10 × 10 हो गया 100, 100 × 3 हो गया 300। तो 300 हो गया इनका एलसीएम। तो 300 इज डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25। अब हमें फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट कितने डिजिट, 4 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सी है, 9999, ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब इस ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को 300 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो लेट हियर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। ठीक है, तो 9999 को 300 से डिवाइड कर लो। सो वी गेट हियर, और जो रिमाइंडर आएगा वो हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा फिर ग्रेटेस्ट थ्री नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस थ्री नंबर। तो 9999 को 9999 को डिवाइड करेंगे 300 से। तो 300 3 जा 900, तो यहाँ रह गया 9909, 300 3 जा 900, तो अब यहाँ पे रह गया 99। अब हमें क्या करना है, जो 9999 है उसमें से 99 को माइनस अगर करोगे तो
जो आंसर आएगा दैट इज द ग्रेटेस्ट फॉर ईच नंबर व्हिच इज डिवाइड बाय दिस थ्री नंबर्स. सो राइट नाउ हियर दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन कितना आया 33 कॉमा रिमाइंडर कितना आया 99. तो 99 इसमें से माइनस करो, देयरफॉर 9999 माइनस 99 इज इक्वल टू 9900. सो दिस इज आवर आंसर. सो यू कैन राइट लास्ट आंसर, देयरफॉर द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 25 इज 9900. इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है. गॉट इट? नाउ वी विल सी एनरिचमेंट क्वेश्चन. अब एनरिचमेंट क्वेश्चन में हम ऐसे एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम अबेंडन नंबर क्या होता है वो देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर, किसी भी नंबर के अगर फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जैसे टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर यू हैव टू फाइंड ऑल द पेयर्स ऑफ नंबर्स दैट मल्टीप्लाई टुगेदर टू गिव दैट नंबर. तो फैक्टर्स मतलब क्या होता है कि ऐसे सभी पेयर्स को फाइंड करना जिनका प्रोडक्ट गिवन नंबर आए. जैसे 48 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 48 के जो फैक्टर्स है उसमें ऐसे पेयर्स मिलेंगे हमें जिनका प्रोडक्ट 48 आता हो. जैसे हम फैक्टर्स ऑफ अगर 48 फाइंड करेंगे तो हमें मिलते हैं फैक्टर्स ऑफ 48 कौन से, जैसे 1 है सबसे पहला फैक्टर. फिर हम टेस्ट अप्लाई करते हैं 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की और 11 की. 11 तक सभी टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं. 48 इज डिविजिबल बाय 2, 2 की टेस्ट लगती है सो राइट हियर 2. 4 प्लस 8 12 होता है तो 3 से डिविजिबल है 12, तो 3 से 48 डिविजिबल है. फिर 4 से 48 डिविजिबल है, 12 4 से 48. 5 से नहीं है, 6 से डिविजिबल है. 7 से नहीं है, 8 से डिविजिबल है. 9 से नहीं है, 10 से नहीं है और 11 से नहीं. अब 11 तक सभी टेस्ट लगाए. अब हमें क्या करना है कि हर एक नंबर से 48 को डिवाइड करो. जैसे 8 से 48 को डिवाइड करो तो 6 आएगा, वो यहाँ पे है. 6 से 48 को डिवाइड करोगे तो 8 आया, वो यहाँ पे है. 4 से 48 को डिवाइड करो तो 12 आता है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 12. फिर 3 से 48 को डिवाइड करो तो 16 आएगा. फिर 2 से 48 को डिवाइड करो तो 24 आएगा. और 1 से 48 को डिवाइड करो तो 48 आएगा. ये हो गए इसके फैक्टर्स. अब इसमें हमें पेयर्स फाइंड करने हैं कि जिनका प्रोडक्ट 48 आता है वो कौन से है. जैसे पहली पेयर होगी 1 और 48, तो 1 मल्टीप्लाई 48 48 हो जाता है. ठीक है, या फिर आप यहाँ पे आप एंड लिखो 1 एंड 14. फिर कौन से है 2 एंड 2 के साथ कौन सी पेयर रहेंगी 24, 2 एंड 24. फिर है 3 एंड 3 के साथ कौन सी रहेगी 16, 3 एंड 16. फिर है 4 एंड 12. फिर है 6 एंड 8. ये जो पेयर्स है इन पेयर्स का जो प्रोडक्ट है वो आता है 48. अब इनके जो ये जो फैक्टर्स है इनकी अगर हम एडिशन करेंगे, ठीक है, जैसे सम ऑफ फैक्टर्स करो यहाँ पे, सो वी गेट हियर. अब 48 को छोड़कर बाकी जो फैक्टर्स है उन सब की हम एडिशन करेंगे, सो वी गेट हियर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 24. तो अब ऐड करते हैं इनको. एडिशन ऐसे करना है कि यूनिट प्लेस में जीरो है उनको पहले कंबाइन करना है. जैसे 4 और 6 10 होता है, ठीक है, इधर को 2 और 8 10 होता है. फिर यहाँ पे 6 प्लस 4 10, तो इन दोनों की एडिशन पहले कर लेना. ठीक है, देखो 8 प्लस 2 10 हो गया, 6 प्लस 4 10, 10 और 10 हो गया ये 20. यहाँ पे देखो 6 प्लस 4 10, 10 और 20 30, 30 और 10 40. ठीक है, अब बचे कितना यहाँ पे, यहाँ पे 12 और 3 15 और 1 16. ठीक है, तो 6 और यहाँ पे 7, तो एडिशन आ गई इनकी 76. ठीक है, अब ये जो फैक्ट सम ऑफ फैक्टर्स है 76, इट इज ग्रेटर देन 48. तो ऐसी नंबर्स जिसके फैक्टर्स की जो सम है वो उस नंबर से ग्रेटर होती है या फिर वो नंबर उनके फैक्टर के सम से स्मॉलर होती है एक्सेप्ट इटसेल्फ, उसे हम कहते हैं अबंडेंट नंबर. ऐसी नंबर्स को हम कहते हैं अबंडेंट नंबर. ठीक है, तो ऐसे और भी नंबर्स आपको इसमें मिल सकते हैं. तो आपको अबंडेंट नंबर क्या होता है इसको आपको ध्यान में रखना है. गॉट इट?